तो देखो, अगर आपका भी कोई इंस्टाग्राम पेज है जिस पर आप AI इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड वीडियोस, रील या फिर उसके फोटोज़ अपलोड करते हो, तो आपको पता होगा कि फेस कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में आपको पता होगा कि आप कैसे फेस कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकते हो अपने पेज पे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है leonardo.ai पे। यहाँ पे आने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको इस गेट ऐप पे क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर आपको यहाँ पे इमेज जनरेशन पे क्लिक करना है और फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये प्रॉम्प्ट वाला सेक्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेज डायमेंशन भी दिख जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी ये 3D रेंडर रहने देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा मैं इसका क्या करने वाला हूँ। और यहाँ पे क्वालिटी या फास्ट, जो भी क्वालिटी तो आप वैसे मेंटेन करोगे अगर आपके पास प्रो वाला होगा, पर फिर भी क्वालिटी सही आएगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस और यहाँ पे जिस भी टाइप का आप रेशियो रखना चाहते हो वो रेशियो रख लेना। तो अभी ये देखो 3D रेंडर है, मैं अभी कार्टून में फेस मेंटेन करना सिखाऊंगा, यानी कि कार्टून में फेस कंसिस्टेंसी सिखाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इन्फ्लुएंसर में सिखाऊं तो मैं उस पर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, और आप चाहते हो कि मैं नई वीडियो बना दूँ तो नई भी बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉम्प्ट लिख देना है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ, जो एक गर्ल रन और उसके कर्ली हेयर रन, आप जानते हो कर्ली हेयर घुंघराले बाल, जो भी आपको जैसे भी इन्फ्लुएंसर या जैसे भी कार्टून या जो भी जनरेट करना हो जिसमें भी फेस कंसिस्टेंसी मेंटेन करना हो वो आप यहाँ पे टाइप कर देना। तो अभी फिलहाल मैं पूरा प्रॉम्प्ट टाइप कर देता हूँ, फिर यहाँ पे जनरेट बटन पे क्लिक करना है और फिर ये यहाँ पे आपको 4 इमेज जनरेट करके दे देगा, क्योंकि मैंने 4 सेलेक्ट किए हैं, आप 2 1 कितनी भी जनरेट कर सकते हो। तो ये देखो अभी मैं कार्टून में मेंटेन कर रहा हूँ फेस कंसिस्टेंसी, तो देखो सबका फेस सेम ही आया। अभी मैं इनका प्रॉम्प्ट भी, यानी कि इनकी पोजीशन वगैरह भी चेंज करूँगा, इनका जो पोज है वो भी चेंज करूँगा, मैं आपको दिखाऊँगा। तो जो भी आपको ठीक लगे आप डाउनलोड कर लेना। तो अभी देखो ये यहाँ पे, यानी कि ये डांस कर रही है, तो अभी मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट माइनर से चेंज करूँगा। याद रखना इसकी मेन बॉडी में चेंज नहीं करना है, जैसे इसकी ड्रेस, हेयर स्टाइल, स्माइल और इस तरह के आप चेंज कर सकते हो। और मेन बॉडी में चेंज करोगे तो इसका चेहरा बदल सकता है, फिर आपको फेस स्वैप यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल में मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ कि ये सिटिंग ऑन स्टडी टेबल, उसके बाद मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। अभी देखना इसका फेस बिल्कुल ही सेम ही रहेगा, तो थोड़ा वेट करेंगे। अब ये जनरेट हो चुके हैं, अब देखो इसके फेस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह से जो भी आपको इसमें भी ठीक लगे वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके। और इसी तरह से आप जितने भी फ़ोटो जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि जितने भी इमेज क्रिएट करना चाहते हो सब कर सकते हो, बस यहाँ पे प्रॉम्प्ट में चेंज करते जाओ और उसकी फेस कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और चेहरा भी सेम रहेगा और आपका काम भी होता रहेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल में और चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा प्रॉम्प्ट में, फिर जनरेट पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे इस तरह का ये इमेज जनरेट करेगा। अब ये देखो ये इन्फ्लुएंसर टाइप में आ गई है। अब इसी तरह से आप चाहो तो इसके हेयर स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, उसका ड्रेस का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अभी इस बार मैं ड्रेस का कलर और इसके शूज़ का कलर भी चेंज करूँगा, इस बार ब्लैक है, मैं इसको रेड करूँगा और इसकी जो ड्रेस है उसको ब्लैक करूँगा। ये देखो फेस भी बिल्कुल सेम ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ अगर आपको यही चीज़ रियल फ़ोटो में चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर ही वीडियो बना दूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।